सब टीवी का मशहूर शो मैडम सर इन दिनों काफी लाइमलाइट में बना हुआ है। पहले शो के ऑफर होने की खबर ने जनता को काफी निराश किया। जैसे ही मेकर्स ने जनता के प्यार को देख शो को ऑफर ना करने का फैसला किया, तो अब शो को हाल ही में ज्वाइन करने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे पर गुलकी दे मार दिया ताना। अब जाहिर तौर पर आपके जहन में भी सवाल उमड़ रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया जो गुलकी ने शिल्पा पर तंज कस दिया। तो आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि शिल्पा शिंदे ने हाल ही में मैडम सर को ज्वाइन किया था। शो में वो नैना माथुर के किरदार में नजर आ रही थी, जो कि कॉक का ही किरदार था। शो में शिल्पा का महज कैमियो रोल था, जो कि 10 से 12 दिनों तक का ही था। लेकिन अब शिल्पा ने शो को अचानक ही छोड़ दिया, क्योंकि वो ट्रैक से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में खुद शिल्पा ने इस बारे में खुलासा किया। शिल्पा ने बताया, नैना माथुर के रूप में मेरा किरदार एक कैमियो था। ये 10 से 15 दिनों तक ही चलने वाला था। मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे ये रोल काफी चैलेंजिंग लगा। शिल्पा ने बताया कि मैंने कुछ दिनों तक शूटिंग की और अचानक मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा गया। शिल्पा का कहना है कि मैडम सर जल्द ही खत्म होने वाला है। एक्ट्रेस ने कहा कि शो की शूटिंग के दौरान ही मुझे पता चला कि ये शो जल्द ही बंद होने वाला है और बाद में इसका दूसरा सीजन आएगा। शिल्पा कहती है कि अगर उन्हें ये पहले पता होता तो वो ये शो कभी नहीं करती। अब मेकर्स और शो के बारे में शिल्पा के इसी स्टेटमेंट पर शो की लीड हीरोइन गुलकी जोशी ने अपना रिएक्शन देते हुए शिल्पा पर ताना मारा है। जी हाँ, इंडिया फोरम से बातचीत में गुलकी ने शिल्पा के स्टेटमेंट पे क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। गुलकी ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम ऑडियंस को ये तय करने देंगे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। खामोशी सब बोलती है, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, तो दूसरे वो जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। आप जानते हैं कि कौन क्या है। मुझे लगता है कि ऑडियंस सबसे अच्छे जज होते हैं। अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते तो हमारा शो 3 साल तक नहीं चलता। वहीं शिल्पा पर तंज कसते हुए गुलकी ने कहा कि आपको जो 15 मिनट का फेम मिला था वो भी अब खत्म हो चुका है। रेस्ट इन पीस। बता दें कि शिल्पा के स्टेटमेंट के बाद शो के प्रोड्यूसर जय मेहता ने शो को बंद ना करने की बात भी कही है, और ये भी कहा है कि शो का दूसरा सीजन तुरंत ही ऑन एयर होगा, जिसमें शिल्पा का किरदार भी होगा। लेकिन अब शिल्पा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया और मेकर्स पर सवाल उठाए, साफ है कि ये बात शो की लीड हीरोइन गुलकी को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और इसी वजह से उन्होंने शिल्पा पर तंज कसा है और उनके रोल पर रेस्ट इन पीस जैसी बात कही। पर अब देखना तो ये है कि अब शिल्पा क्या गुलकी के इस ताने का जवाब देंगी।